पूरे में पानी पानी हो रहा है और कभी ये देखिए पूरे बरंडे में पानी पानी आ गया है। कहाँ से केवल खिड़की से दिखाते हैं काफी दाने निकले हैं देखिए, इसलिए इसके बाल जो हैं वो कट करवा दिए। कोई झोपड़ी में आग लग गई। आ नीचे उतर के क्लैपिंग क्लैपिंग कर क्लैपिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, उठ के आने लगा। यहाँ पे बन रही मैं चाय और सुबह का टाइम हो रहा है, नाश्ता बनाना बच्चों के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने। और मैं सुबह से अब मिल रही हूँ, सुबह से मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं ना बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रहा था, मन नहीं हो रहा था बिल्कुल ब्लॉग कंटिन्यू करने का। फिर मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग बनाने स्टार्ट किया है तो बना ही लेती हूँ, तो मैंने फिर शाम से स्टार्ट किया है। फिर तो बस यहाँ पर मैं चाय बनाने आई हूँ और दूध गर्म कर लिया है, तो दूध को मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे अदरक कूटे हैं, और अदरक कूटने वाला ना हमारा ईमान दस्ते का जो ओखली टाइप का वो जो होता है अंदर का, वो खो गया कहीं, तो मुझे इस तरह से कूटना पड़ता है। और अभी ना मोटर चल रखी है तो मैंने सोचा चलो फटाफट स्लिप वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ और इधर पानी की बोतलें वगैरह वो भर लूँगी। बर्तन है थोड़े बहुत वो साफ़ कर लेती हूँ जब तक हमारी चाय बन रही है, तो फटाफट मैं यहाँ पर काम निपटा लेती हूँ। बाबू खेल रहा है, उसके बाद बाबू का वर्क कर पाऊँगी। तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा टेंशन है, पानी मोटर चलती है तो फटाफट पानी के जो काम होते हैं ना वो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम होती है कि मोटर चलती है तो आएगा वरना नहीं आएगा। पानी की मर्ज़ी है, अगर मोटर चल रही है तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो बस मैं जब चेक करती हूँ कि टंकी में पानी आ रहा है तो फटाफट काम कर लेती हूँ, लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पानी की। समझ सकते हैं कि पानी की कितनी ज़्यादा टेंशन हो, या फिर एक टाइम बंधा हो कि हाँ इतने बजे पानी आना है तो हम अपना पानी भर के रख लें, तो वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पानी की मर्ज़ी है कि मोटर चल रही है तो पानी आएगा वरना नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे बर्तन में साफ़ कर रही थी तो इतने में पानी, आप देख रहे हैं पानी थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि पानी एकदम धीरे धीरे चला गया था, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा पानी की दिक्कत हो रही है। और इस समय कपड़े भी अच्छे से नहीं धुल पा रहे हैं, बच्चों के कपड़े पड़े हैं, कपड़े भी थोड़े थोड़े धुल रहे हैं क्योंकि नहाने जब भी बैठो तो पानी चला जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट बर्तन धुल गए मेरे, बाबू को पढ़ाने आ गई हूँ मैं। वाओ, वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग करो क्लैपिंग। अरे तुम खुद कर रहे हो, तुम बनाओ, हम क्लैपिंग कर रहे हैं। वाओ, वेरी गुड, ये सब मेरे बाबू ने खुद किया है होमवर्क। पढ़ाई कर लेते हो? अरे वाह, देखें, अरे वाह, वेरी गुड। यहाँ पुन्नी देखो पॉपकॉर्न के लिए भुंटा निकाल रही है इसमें से दाने, बोल रही लल्ला और पुन्नी पॉपकॉर्न बना देना। और आज हमारी पुन्नी जो है इसके दाने हैं सर में, काफ़ी दाने निकले हैं देखिए, इसलिए इसके बाल जो हैं वो कट करवा दिए हैं, मतलब जीरो वाली मशीन लगवा दी। और बाबू के भी जीरो वाली मशीन लगवाई थी, उसके अब थोड़े बड़े हो गए, इसके भी बढ़ जाएंगे, अब छुट्टियाँ पड़ गई वैसे भी। हाँ जल्दी जल्दी नुका, जल्दी जल्दी इसको। हाँ ये देखो सामने खेत में कितना आग लग गई है, ये देखिए कोई झोपड़ी में आग लग गई है, पता नहीं लगाई है आग पता नहीं। अभी देखिए शाम का टाइम हो रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ अभी डिनर,
देखते हैं। तो चलिए डिनर कुछ बना लेते हैं, इससे पहले बच्चों के लिए बना देते हैं। जल्दी जल्दी छील लो, फटाफट बना दो, है ना। हम किचन में जाते हैं। तो अभी मैं किचन में आई हूँ और दोपहर मैंने देखिए बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं यही खा लूँगी और बाकी हस्बैंड अपने लिए कुछ लेके आए हैं तो वो खा लेंगे। और मैं बस रोटी और चावल बनाए थे मैंने, और जो पॉपकॉर्न है वो बनाए थे वो बन नहीं पाए थे, और मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी, दिमाग से ही निकल गया था, तो वो बन भी नहीं पाए क्योंकि वो कच्चा था ना भुंटा, इस वजह से नहीं बन पाए। और खाना पीना बनने के बाद यहाँ पे मैं रात की किचन क्लीनिंग कर रही हूँ। तो किचन तो मैं रात में क्लीन करके रख देती हूँ, जब से पानी की प्रॉब्लम हुई है तब से थोड़ा कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, वरना मैं कंटिन्यू किचन अपना क्लीन करके रखती हूँ। तो बस अभी किचन क्लीन कर लेती हूँ पूरा, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट डे मिलूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं कंटिन्यू ब्लॉग ही नहीं कर पाई थी तो इस वजह से। तो बस नेक्स्ट डे आपको मिलूँगी। अभी फटाफट अपना किचन क्लीन कर लेती हूँ, गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद थोड़ा साफ साफ किचन लगेगा। इतनी तेज़ आंधी पानी आया है ना, पूरे में पानी पानी हो रहा है, और कभी बहुत तेज़ आंधी पानी आया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि कितना पानी पानी हो रखा है पूरे में। ये देखिए पूरे बरंडे में पानी पानी आ गया है, कहाँ से केवल खिड़की से पानी आया है ये देखिए, और पूरा क्या हाल हो रहा है कि वहाँ पीछे से पानी, ये खिड़की की वजह से पानी आ रहा है। और ये देखिए देखिए कितना पानी पानी हो गया इधर पूरे में बरंडे में, और हर जगह पानी पानी हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए कितना पानी आ रहा है, ये सामने जो खिड़कियाँ निकली इतनी बेकार खिड़कियाँ निकली सच में, ये देखिए पूरे में पानी पानी हो गया जी, यहाँ भी पूरे में पानी पानी हो रहा है इधर भी, और यहाँ पे देखिए पूरे गद्दे वगैरह हमारे सब भीग गए। यहाँ पे मैट बिछाई है वो भी भीग रखी है, मैं आपको टॉर्च से दिखाती हूँ। ये देखिए ये पूरा भीग रखा है, और यहाँ पे भी देखिए पूरे में पानी पानी हो रखा है, ये भी इस खिड़की की वजह से पानी आ रहा है, और पूरे में ही पानी पानी हो रखा है ये देखिए। इतना ज़्यादा पूरा घर गंदा हो गया, अभी मैंने सब में सफाई किया था, पोछा झाड़ू किया था, और बारिश के कारण आंधी के कारण पूरा मेरा बेड भी देख सकते हैं भीग रखा है। ये देखिए ये पूरा बेड भी भीग रखा है, पानी यहाँ तक पूरे में आ रखा है, ये देखिए मैट पूरा भीग रखा है। क्या करें, इतने पानी में दिमाग ख़राब हो रहा है कि पूरे घर में केवल खिड़की गलत जो निकलवाई है ना, इसकी वजह से पानी पानी हो रहा है, ऐसी हवा चल रही कि डायरेक्ट पानी इधर ही आ रहा है। तो यहाँ पे पानी बढ़ता जा रहा है, इसलिए मैं पानी निकाल रही हूँ वाइपर से, और इतना पानी हो गया है कि अच्छे से निकल भी नहीं पा रहा है। तो अब कमर में भी तो मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ पानी, और बारिश भी अभी हो ही रही है बारिश, तो बस मैंने यहाँ सामने का गेट खोला है। वैसे मैंने गेट पहले बंद कर दिया था, लेकिन गेट फिर मैंने कहा लाओ पानी इधर ही कोई निकाल दूँ, क्योंकि फिर उधर काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वैसे भी पानी आ ही रहा था अंदर काफ़ी। तो बस अभी थोड़ा देखो हल्का हो जाए तो मैं फिर सफाई करूँ पूरे में दोबारा से, और पानी सुखाऊँ पूरे घर का, तो उसके बाद मैं अपना बाकी काम करूँगी। देख सकते हैं कितना कितना पानी हो रहा है, और यहाँ बाबू भी पानी में ही छप छप करने लगा, पता नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। मैंने कहा वो भी भीग जाएगा, वैसे बीमार है, छोटी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। तो मैं फटाफट निकाल लेती हूँ पानी। तो मैं सफाई कर रही थी तो उधर सामने जो खेत में ना एक दादी जी घास नहराती थी, तो पूरी तरह से भीग गई थी, तो वो आई थी इधर, तो मैं मुझसे बोली थी बेटा मेरा हाथ पकड़ के ऊपर खींच लेना, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के ऊपर उनको खींचा, क्योंकि नीचे ढलान थी ना काफ़ी, तो पूरी तरह से भीग गई। तो मैंने उनको कुर्सी डाली और मैंने कहा चाय बना के ला रही, तो मैंने चाय भी बना के दी उनको,
और उसके बाद फिर उनके कपड़े भी पूरी तरह से भीग गए। जो साड़ी एक दूसरी लेके आई थी ना, वो साड़ी भी भीग गई थी, तो मैंने उनको एक साड़ी दी पहनने के लिए। और मैं दिखाऊंगी अभी, ये देखिए ये है वो दादी जी, तो उनको मैंने दी तो वो पहन रही हैं। और जब मैंने उनको साड़ी दी ना, तो बहुत सारी दुआएं दे रही थी, कह रही बेटा खुश रहो हमेशा। और बहुत ही अच्छा लग रहा देख के कि कोई मतलब बुजुर्ग इतना अच्छे से दुआ दे रहा है। उसकी वजह से कितनी तेज आंधी पानी आया था। अब हवा चल रही, हवा के साथ आंधी का उड़ गया, बारिश वारिश हल्की हल्की हो रही, झला गिर रहा है। आंटी आप यहाँ पे वो नरा रही थी, हाथ नरा रही थी, हाथ नरा रही थी। अच्छा हाँ, कितना पानी भर गया है खेत में। अरे नदी फुल हो गई है, नाला फुल हो गया बिल्कुल, ऊपर अब दिख रही है। हाँ अभी बरस रहा है पानी। अभी पूरे में मैंने सफाई कर दी है और फिर से बारिश होने लगी है। अभी बारिश रुक गई थी, पानी आना बंद हो गया था। अब देखिए सफाई कर दी है, फिर से बारिश होने लगी। अभी मैंने देखिए पोछे की बाल्टी रखी है, ये बाइक पर रखा है, पूरा पानी अभी खींचा है मैंने। बताओ इतना परेशान हो गए पानी खींचते खींचते। और यहाँ पर देखिए बच्चे पूजा कर रहे हैं। अभी मैं ना ही नहा पाई हूँ, मुझे भी नहा धोकर पूजा करनी, लेकिन मैं नहाऊँ कैसे, पानी भी नहीं आ रहा है। मोटर की एक तो समस्या, और दूसरा ये घर में पानी आ जा रहा बार बार, उसकी समस्या। पहले बड़ी वाली मोटर लगी थी तो पानी आराम से टैंक में भर रहा था, लेकिन अब बड़ी मोटर निकल गई है। मोटर वो ताऊ की थी बड़ी वाली, तो ताऊ के यहाँ घर बन रहा है तो उन्होंने ले ली है। तो हमारी जो छोटी मोटर थी वही लग गई वापस, तो वो पहले टैंक यहाँ हमारा नीचे ही रखा था एक ही उस पर, तो पानी आराम से जाता था। अभी टैंक ऊपर पहुंच गया अंटिया पे, तो वहाँ तक पानी टैंक में नहीं जा रहा है, तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही। मोटर चल रही है तभी पानी आ रहा है, और दूसरी बात इधर तो मोटर चल रही तब भी मनमर्जी है, आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं आया, ये प्रॉब्लम है। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और मैं बैठी हूँ अभी नहाने के लिए, कपड़े भी नहीं धुल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या करूँ मैं। ऊपर से पानी, कपड़े भी मेरे पूरे गीले हो रखे हैं। तो अब देखो कितनी देर में क्या क्या काम निपटता है फिलहाल। और जो दादी जी हैं वो चली गई हैं, जो आई थी खेत में यहाँ पर ही वो मतलब घास नराती हैं, तो वो बेचारी बहुत बुरी तरह से भीग गई, और इस वजह से मैंने उनके लिए साड़ी वगैरह निकाल के दी। मैंने सोचा कि चलो उनको दे दूँ, पूरे कपड़े उनके भीग गए, उनको चाय बना के दी। और सच्ची में बहुत ज़्यादा सुकून सा मिल रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है। उनने बहुत अच्छी मतलब बहुत सारी दुआएं दी, बहुत आशीर्वाद दिया, और खुशी होती है ना, अच्छा लगता है। लेकिन बस वही है कि इंसान समझे तो उसको समझते हुए अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिलहाल। और चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और आज कुछ भी शेयर नहीं कर पाई ऐसा कुछ जो आप लोग सीख सको। तो चलिए फिलहाल ये बहुत अच्छी बात मैंने आप लोग को बताई कि किसी की मदद करनी चाहिए, हर वो इंसान की जो मदद के लिए लगे आपको कि हाँ इसको मदद की ज़रूरत है। तो चलिए फिर बाय बाय, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।